आदाब, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया में शाहिद कामरान। एक खास रिपोर्ट, बिहार में पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही तमाम मुखिया अपने अपने क्षेत्रों में वोटरों को रिझाने के लिए ताबड़तोड़ योजनाओं को धरातल पर लाना शुरू कर दिया है, ताकि मुखिया जी को अगले चुनाव में लोगों का समर्थन मिल सके। लेकिन मुखिया जी योजनाओं में इतना कटौती करते हैं कि योजना पूरी होते ही कुछ ही दिनों के बाद टूटकर बिखर जाती है। यह मामला मधुबनी जिला अंतर्गत कलवाही प्रखंड के मलमल दखनी पंचायत का है। देखिए यह रिपोर्ट। नाला बनने के एक सप्ताह के बाद चकनाचूर हो गया। यह योजना मलमल दखनी पंचायत की मुखिया श्रीमती रेहाना खातून के द्वारा वार्ड संख्या 4 और 10 में नाला बनाया गया, जो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इस योजना के बारे में स्थानीय एक शख्स ने बताया कि मुखिया जी और वार्ड मेंबर के द्वारा इस योजना के निर्माण में कटौती की गई है। इस नाला निर्माण में कमजोर लोहे का सरिया सीमेंट में कटौती की गई, जिस कारण यह नाला बनते ही एक सप्ताह में टूटकर बिखर गई। आप तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं मलमल दखनी पंचायत के मुखिया रेहाना खातून और वार्ड मेंबरों की मिली भगत के द्वारा किस प्रकार लोगों को चुनावी चमक दिखाने की योजना चलाई जा रही है, जो बनते ही बिखर गई है। धन्यवाद। बताया जा रहा है इस नाले की दुर्गत ये है कि अभी इस नाले को बनाए हुए सिर्फ 10 या 15 दिन हुए हैं और ये नाला टूट चुका है। अब मैं आपको ये बता दूं कि जहां हम खड़े हैं वो रास्ता ना हाईवे है, ना इतनी चौड़ी सड़क है जहां से कोई बड़ी गाड़ी गुजरी होगी। यहां से यकीनन छोटी गाड़ी ही गुजरी है और उस गाड़ी के गुजरने से जब ये नाला टूट गया है तो आगे हम इस नाले के बारे में क्या अंदाज़ा लगाते हैं। जब इस जगह पर हम पहुँचे और यहाँ के एक्सपर्ट से हमने मालूम किया, कुछ तजर्बेकार मिस्त्री से, तो हमें ये पता चला कि इस नाले को बनाने में 12 mm और उससे मजबूत रॉड देना चाहिए था, लेकिन 8 और 10 mm का रॉड डालकर इस नाले को तामीर किया गया है। और साथ ही साथ ये नाला, इस नाले की ढलाई में सीमेंट की मात्रा बहुत कम दी गई है। और भी हमने एक्सपर्ट से बात किया तो पता ये चला कि ये मुखिया फंड से विधायक के मुखिया फंड से वार्ड मेंबर के द्वारा ये नाला बनाया जा रहा है। यानी कि मुझे ये पता चला कि इस नाले के तामीर में पर्याप्त मात्रा में जिस मटेरियल पड़ना चाहिए था उस मटेरियल में कटौती की गई है, इस वजह से नाले का ये दशा है। हेलो हेलो, मैं हिंदुस्तानी मीडिया से बोल रहा हूँ, क्या ये मलमल दखनी पंचायत की मुखिया का नंबर है क्या? जी जी, मैं उसका पति हस्बैंड बोल रहा हूँ। जी जी, क्या नाम है आपका? रियाज अहमद। रियाज अहमद साहब, मैं हिंदुस्तानी मीडिया से बोल रहा था, मुझे एक खबर है, उस पर आपका बाइट लेना है। वो या तो आप दे दें या फिर आप अपने मुखिया से दिलवा दें, मैडम से दिलवा दें। आप ये है 4 और 10 वार्ड में, आपके वार्ड में जो नाला बनवाया है आपने, एक तो आपने बस कुछ दिन पहले बनवाया है, इस पर इल्जाम है कि आपने वोट लेने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए आपने इस नाला को बनवाया है, लेकिन इस नाला में भी आपने कमजोर, मतलब कि आपने सही लोहे नहीं यूज किया है, सीमेंट यूज नहीं किया, जो एक सप्ताह में ही ये टूट कर बिखर गया है, क्या मामला है? सर, कहना ये है, बात असल ये है कि नाला जो बना किसी वैसे फंड से नहीं बना, ठीक है जी। और ये जो वेलफेयर सोसाइटी एक चलता है NGO, यहाँ जो हॉस्पिटल है वहाँ अभी बना है जी जी जी, तो वही उसी का जो मेंबर्स है वही लोग सारे बोले कि मुखिया जी आप थोड़ा अगर नहीं है कोई किसी फंड में पैसा था अपने तरफ से इसे बनवा दीजिए, जो एक उसमें उसका हॉस्पिटल का पानी जो है जी, जो ट्रिप लिख लेगा वहाँ से, तो उसको बना दिया गया लगभग 1 हफ्ता 10 दिन पहले, 10 दिन हुआ है लगभग बना हुआ, तैयार हुआ। तो समझिए यहाँ कुछ लोगों ने, यहाँ में विपक्षी पार्टी है वो लोग जो उसको कल जो है कल या परसों उसको धूमसूर से तोड़ा गया है, जो कुछ लोगों ने गांव के लोग भी देखा उन लोगों को तोड़ते हुए, और उसको तोड़ करके उसको वीडियो बना करके तब ये सब जो है ये सब बाकी लोग क्या सब क्या पता नहीं। तो रियाज साहब, आप कहना चाह रहे हैं कि श्रीमती रेहाना खातून जो मुखिया है उन्होंने अपने पर्सनल पैसे से, पर्सनल फंड से या पर्सनल पैसे से कह सकते हैं इस नाला को बनवाया था ना, ये कोई सरकारी योजना नहीं थी? नहीं नहीं,
सरकारी योजना नहीं था, ये प्रश्न जो ये कुछ मेंबर जो हमारे गांव के जो जैसे हॉस्पिटल का मेंबर है वेलफेयर सोसाइटी का, वो लोग बोले मुखिया जी आप अपने तरफ से, तो बस 20-30 फीट या 40-30 फीट का लंबाई है नाले का जी। जी तो जिसने तोड़वाया कम से कम आपको तो ऐसे लोगों से खबर लेनी चाहिए, बात करने की, ऐसे तोड़ने की क्या जरूरत है भाई जी। असल में है जी बोला वहाँ तोड़ा, वहाँ पर जो लेबर था बंगाली लेबर था, ठीक है सर जी जी, बंगाली लेबर था वहाँ हॉस्पिटल में, वही मकान बना रहा है वही बगल में जो हॉस्पिटल का जिसके लिए नाला बना था वो जी, और उसी में काम कर रहा है वो बंगाली सर है, तो वो कुछ लोग बाहर का है, तो वो लोग बोला कि हम देखे एक दाढ़ी था उसको, हम लोग पहचाने नहीं, तो हम लोग नाम से नहीं जानता, बोला अगर सामने आएगा तो हम पहचान जाएगा, लेकिन अब उसको पता लगा तो वहाँ उतना तो कोई लोग जानता है लेकिन नहीं बता रहा। ठीक है रियाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ग्राम पंचायत, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। पंचायत राज छौड़ा ही जिंदाबाद, सरपंच पद हेतु भावी प्रत्याशी जावेद इकबाल, इन्होंने ठाना है छौड़ा ही पंचायत को आदर्श एवं शिक्षित पंचायत बनाना है। नई दृष्टि नई सोच, वोट फॉर जावेद इकबाल। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 9835-93053। सोच हमारी विकास आपका, जब तक रहेगा साथ आप सबका, तब जाकर होगा विकास पैक्स पंचायत का। अब होगा विकास, आने वाले हैं शिक्षित उम्मीदवार वीरेंद्र कुमार साहू, ग्राम पंचायत छौराही से पैक्स अध्यक्ष पद हेतु ब्लैक बोर्ड छाप पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावें। मैं वीरेंद्र कुमार साहू, ग्राम पंचायत राज छौराही से पैक्स अध्यक्ष उम्मीदवार हूँ। हम छौराही पंचायत के जनता से को प्रणाम सलाम करते हैं। अपने ग्राम पंचायत राज छौराही के किसान एवं मजदूर भाई बहनों से अनुरोध है कि 15 फरवरी 2021 को ब्लैक बोर्ड छाप पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजय बनावें और एक बार सेवा करने का मौका दें। जय किसान, जय जवान, जय छौराही पंचायत के किसान मतदाता। पंचायत चुनाव 2021 के दंगल में कूदने वाले उम्मीदवार अपने इंटरव्यू के लिए संपर्क करें और अपनी बातों को जनता तक पहुंचाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 9835-93053। आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं मोहम्मद शाहिद कामरान। आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।